जैसे मेरे बच्चे हैं, कल तक तो आने वाला बच्चा जो ला कर लेता था, डॉक्टर बन जाता था, उसको नहीं पता था बीआर अम्बेडकर कौन है। हमें हमारे देखो, हम लोगों को जो हिंदू मानते हैं, कब मानते हैं? जब इनको पावर चाहिए, जिनको संख्या चाहिए, ज्यादा क्वांटिटी चाहिए, तब जब इनके पास वो बात निकल जाती है तो हम वही शेड्यूल कास्ट दलित। क्या नाम बताया आप? मैंने बुद्ध की मूर्ति, ये बुद्ध का भारत है, हम इसको बुद्ध का भारत बनाना चाहते हैं। मेरा जो माइंड है, हम इसको मतलब बुद्ध का भारत बनाना चाहते हैं, क्योंकि आज जहां जहां भी देखते हैं खुदाई होती है ना, गवर्नमेंट खुदाई करती है, आर्कियोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है खुदाई करती है, तो जहां भी देखते हैं बुद्ध ही बुद्ध मिलता है। तो हमारे पक्के प्रूफ ये है कि ये बुद्ध का भारत है, तो हमने इसीलिए बुद्ध का भारत बनाना, और मैंने तस्वीर भी इसीलिए लगाई है गेट पे और मूर्ति भी इसीलिए लगाई है। मैंने अपना प्रूफ दिया है कि मैं बुद्ध को मानता हूँ और बुद्ध का भारत है, और मैं बुद्ध को ही मतलब मानता हूँ, इसलिए मैंने स्टैचू लगाया। अच्छा लग रहा है, पापा पे प्राउड हो रहा है कि उन्होंने एक हमारे लिए एक एग्जांपल सेट कर दिया है कि अगर मैंने यहाँ तक किया तो इसको आपने आगे लेके जाना लाइफ में। तो बस यही है कि अगर आपने हमारे लिए इतना कर दिया है तो अब पापा को मतलब कि डबल करके देना है वापस, ये है हमारा। तो तब से जब से डॉक्टर अम्बेडकर का चल रहा है ना, तो जब वोट डालते हैं ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता है कि लोग इधर उधर क्यों डालते हैं। अच्छा, तो मैं यही सोचती हूँ उधर डालो वोट। मतलब इस वक्त मैं जम्मू के बजालदा के लोअर कुपर में हूँ, और इस परिवार की ओर से हमें एक निमंत्रण दिया गया था कि आप लोग हमारे घर आइए। आप देख रहे हैं कि इस घर के अंदर आज काफ़ी लोगों की तादाद देखी जा रही है। इस घर के अंदर आखिर ऐसा क्या था जो निमंत्रण दिया गया था, मीडिया को बुलाया गया था, और लोगों की संख्या इतनी ज़्यादा क्यों है, ये बात समझनी होगी। इस चित्र को देख के आप समझ गए होंगे कि आखिर मैं कहां पर हूं। इस चित्र को देखिए, ये महात्मा बुद्ध का चित्र है। महात्मा बुद्ध का चित्र जम्मू के बजालदा के लोअर कुपर गांव में आखिर कैसे पहुंचा, इसकी सारी कहानी क्या है। महात्मा बुद्ध, अंबेडकर और बहुजन जो महानायक हैं, जननायक हैं, उनकी तस्वीरें इस घर में कैसे पहुंची, उस कहानी को समझेंगे। सबसे पहले आप देखिए कि जब आप इस घर में आते हैं तो आपको पहली तस्वीर जो दिखेगी वो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की दिखेगी, और आप यहाँ पर साफ साफ पढ़ सकते हैं जय भीम जय भीम। ये श्री रामलाल जी का घर है, उनका निवास है, और इस घर की अंदर एंटर होने से पहले आप बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का फ़ोटो देखेंगे, जय भीम जो लिखा हुआ वो पढ़ेंगे, फिर एक तस्वीर जब आप देखेंगे ऊपर महात्मा बुद्ध की, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इस तस्वीर को आज इन्होंने अपने घर के द्वार पर लगाया है, इसका उद्घाटन आज हुआ है, जिसके चलते बुद्ध को मानने वाले लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की विचारधारा को मानने वाले लोग यहाँ पहुँचे हैं, जिसके उपलक्ष्य में अभी यहाँ पर सत्संग हुआ है और अब लंगर की व्यवस्था जो है वो शुरू हो चुकी है। लोग सत्संग सुनने के बाद अब लंगर की व्यवस्था जो की गई है, अब लोग लंगर ग्रहण कर रहे हैं। अब इस परिवार से मिल लेते हैं, इस परिवार से चर्चा कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, जान लेते हैं कि महात्मा बुद्ध को जम्मू के अंदर इस परिवार ने इतनी गंभीरता से क्यों लिया, इतना अहम क्यों समझा कि अपने घर के बाहर एंट्रेंस पर, घर के अंदर आने से पहले जो भी आएगा एक बड़ा फोटो जो है वो महात्मा बुद्ध का देखेगा, वो रामलाल जी के घर पर है। इन लोगों के ये परिवार है इन लोगों का, और रामलाल जी यहाँ पर हैं, इनका परिवार यहाँ पर है, और ये तस्वीर, और इस घर के अंदर मैं कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा। महामानव ज्योतिबाराव फूले की जो तस्वीर है, महात्मा बुद्ध की तस्वीर आपको घर के अंदर दिखेगी, और घर के अंदर आते ही दरवाजे पर फिर आपको बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की हाथ में भारतीय संविधान पकड़े हुए जो एक तस्वीर है वो आप देख सकते हैं। अब रामलाल जी से बात कर लेते हैं कि इन तस्वीरों का घर के हर कोने कोने तक पहुंचने का, पहुंचाने का, और महात्मा बुद्ध की इस तस्वीर को घर के मेन द्वार पर लगाने का आखिर मकसद क्या था, ये जान लेते हैं। रामलाल जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में आपका। जी सर, थैंक यू सर, आपके चैनल का भी बहुत बहुत थैंक यू।
शुक्रिया। मैं रामलाल जी से ये जान लेता हूँ और इनके परिवार से भी जानने का थोड़ा प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि आखिर महात्मा बुद्ध, ये खैर ये तो जो सब इलाका है ये जम्बूद्वीप में ही था, लेकिन इतने सालों के बाद, हजारों सालों के बाद जम्मू में कुछ घर ऐसे हैं जो खुल कर के अब महात्मा बुद्ध की और बहुजन नायकों की बात करने लगे हैं, बहुजन महापुरुषों की बात करने लगे हैं। उनमें से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जिसे आप सब जानते हैं, महामानव ज्योतिराव फुले जिन्हें आप सब जानते हैं, और सबसे बड़ी बात की गौतम बुद्ध की तस्वीर घर के मेन द्वार पर लगाना। रामलाल जी, क्या सोच, क्या विचार था कि घर के एंट्रेंस पे मेन द्वार पर गौतम बुद्ध की फ़ोटो लगानी? सर, बात यह है कि ये जो भारत है ये बुद्ध का भारत है। तो मैंने जब, पहले तो हमें पता नहीं था, जब हमने जानने की कोशिश की या पढ़े और बुद्ध के बारे में जाना, तो फिर हमको देखा, जैसे हमारे प्रधानमंत्री भी बाहर कंट्रियों में जाते हैं तो वो कहते हैं ये हमें बुद्ध के देश भारत से आया हूँ। तो ये जो भारत देश है ये बुद्ध का भारत है। तो इसलिए हमारे मन में मतलब ये विचार तब उठा, जब हम ये बुद्ध का भारत है तो हमको ये बुद्ध की तस्वीर लगाने का मेरे मन में ख्याल आया। तो मैं तो बहुत बड़ा कुछ करना चाहता था, मेरे विचार में तो मैं कुछ बहुत बड़ा स्टैचू लगाना चाहता था बुद्ध का, और लेकिन कुछ वजह की वजह से, जहाँ कुछ लोगों के सहयोग नहीं होने की वजह से, मैं उसको कार्यक्रम को छोटा किया। और फिर मैंने ये माइंड में सोच के मैंने अपने गेट के ऊपर जो है बुद्ध की स्टैचू लगाने का मैंने अपना विचार बनाया। बुद्ध की प्रतिमा ही क्यों, आजकल लोग और बड़ी सारी प्रतिमाएं लगा रहे हैं, बड़ा कुछ देखा जा रहा है, लेकिन आपने यही फैसला क्यों किया कि बुद्ध की प्रतिमा ही लगानी? देखो सर, मैं किसी मिथ्या को नहीं मानता हूँ, मैं सच को मानता हूँ और मैं सच के रास्ते पर चलता हूँ और सच के रास्ते पर ही चलूंगा। और गौतम बुद्ध का जो संदेश है ये सच का संदेश है। और भी बहुत हमारे संत महात्मा हैं, डॉक्टर अम्बेडकर साहब या बाबा रविदास जी, संत महात्मा ज्योतिराव फुले, मतलब बहुत महात्मा हैं अपने में, उनके नाम इतने मतलब इतने हैं कि मैं उनके नाम नहीं गिन सकता। तो सब ने यही जो है ना, इसलिए मैंने जो है महात्मा गेट के ऊपर लगा के महात्मा बुद्ध को ही मतलब चुना, कि पहले सब महात्मा बुद्ध को इसलिए चुना कि सबसे पहले जो महात्मा है वो महात्मा बुद्ध है। इसलिए अच्छा, मैंने शुरू में मतलब बेस में जाना शुरू किया। अच्छा, ये आपको कब पता चला कि वैसे तो गौतम बुद्ध जो है पूरी दुनिया जानती है कि भारत जो है वो बुद्ध की भूमि है, बुद्ध का देश है, बुद्ध से जाना जाता है भारत। आप को ये कब पता चला कि बुद्ध कौन है और बुद्ध को कैसे मानना है, कैसे आपने खोज करना शुरू की? सर, ऐसे है कि पहले तो हमें भी इतना नहीं पता था, जब हम पढ़े भी हैं, लेकिन पढ़ते समय भी हमें इतना, क्योंकि पढ़ाया स्कूलों में तो बुद्ध के बारे में पढ़ाया नहीं जाता। पहले एक आधी स्टोरी होती थी महात्मा बुद्ध की, उसके बाद में धीरे धीरे मतलब बंद हो गया। आगे हम पढ़े, मैं अंडर ग्रेजुएट हूँ, हमें पता नहीं। लेकिन जब ये मोबाइल आया ना, मोबाइल आने के बाद और मैं शुरू से जो हूँ मैं मतलब जानने में रहता हूँ, मतलब हर चीज को मैं सीखना, मेरी जो खुद की जो है मैं हर चीज को सीखना और उसकी सच की तह तक जाना चाहता हूँ। और जब मुझे इसका मतलब पता चला, जब मैंने बेसिक अम्बेडकर के बारे में पढ़ा, तो अम्बेडकर ने जो है अम्बेडकर ने सन 1956 में जो बुद्ध की धर्म दीक्षा ली थी, तो ये मैंने जब जाना तो फिर मैंने उसको और जाना, भाई बुद्ध की जो धर्म दीक्षा ली थी बुद्ध क्या है, उनके बारे में मैंने जानने की कोशिश की। तो जब मैंने ये सारा कुल मिला के देखा, हमारे मंत्री जितने हैं बाहर कंट्रियों में जाते हैं तो वो भी कहते हैं ये बुद्ध का भारत है। मैं लद्दाख में रहता हूँ तो मैं देखता हूँ सबसे ज्यादा टूरिस्ट वहां आते हैं लद्दाख में, तो हम भी जाते थे घूमने, कभी मूर्तियों को देखना, लेकिन ये मैं हम समझ नहीं पाए लद्दाख में तो खाली पहाड़ी है। कितने देर से लद्दाख में रह रहे थे? मेरे को अभी 24 साल हो गए लद्दाख। 24 साल हो गया आपको? हाँ, लेकिन आपको ये समझ नहीं थी कि यार ये लोग आते हैं? बिल्कुल नहीं समझती, 3-4 साल। हाँ, अब मैंने तकरीबन 3-4 साल, 5 साल भी नहीं, 3-4 साल से मुझे इस चीज की मतलब तकरीबन 18 के बाद ही मुझे मतलब इस चीज की समझ आई।
अब ये भी मुझे समझ में आया, हम वहाँ देखते थे वो जो ना उधर दुकानें लगी होती थी, छोटे छोटे बुद्ध के स्टैचू, महात्मा के, हमें इसके मतलब जो मिनिस्ट्री रखी होती थी, हम तो पहले यही सोचते थे कि लोग पता नहीं क्या इनको खरीदते रहते हैं, मतलब उसके बारे में हमें नॉलेज मेरे को बिल्कुल नहीं था। लेकिन जब मुझे इसके बारे में जाना, मैं इसको समझा, तो तब मुझे पता चला, अब मुझे ये पता चला लोग वहाँ टूरिस्ट क्यों जाते हैं, क्यों वो ये बुद्ध का भारत है, वो बाहर की कंट्री के लोग आते हैं, अगर ये बुद्ध का भारत है तो असली बुद्ध तो जहाँ है भारत में होना चाहिए। रामलाल जी, आपको लगा था कि पूरी दुनिया बुद्ध को जानती है, लेकिन भारत के लोग जो बुद्धिस्ट हैं, सिर्फ हम लोग नहीं जानते कि बुद्ध कौन है। सर, मैं जब मुझे पता चला था ना, मैं बहुत दुखी हुआ कि हमारे भारत बुद्ध का भारत, हम लोग बुद्ध के बारे में नहीं जानते, और 125 कंट्री बुद्ध के बारे में जानती है, और सारे लोग बुद्ध के बारे में 125, लेकिन हमारे भारत के लोग जो है वो बुद्ध के बारे में नहीं जानते, और मतलब जगहों में जुड़े हुए हैं लेकिन बुद्ध के बारे में नहीं है। इसलिए मेरा माइंड जो है, मैं सच को उजागर करने के लिए इसीलिए गेट पे लगाया कि आते जाते लोग देखेंगे, उनको पता चलेगा कि कोई क्वेश्चन करेगा कि इसने बुद्ध की मूर्ति, मैं चाहता हूं मेरे से कोई क्वेश्चन करे कि आपने बुद्ध की मूर्ति क्यों लगाई है, मैं उसका जवाब देता हूं। मैं इसलिए देना चाहता हूं कि लोगों को लगे कि ये बुद्ध की मूर्ति क्यों लगाई है, बुद्ध कौन है, तो क्या है, इसके बारे में लोग जानने की कोशिश आपसे पूछें लोग। हाँ बिल्कुल पूछें। अच्छा, ये सवाल हम आपसे पूछते हैं कि आपने क्यों लगाई, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से लोग जानेंगे, आधे से ज्यादा लोगों को इस सवाल का जवाब मिल जाएगा जम्मू के। सर, मैंने बुद्ध की मूर्ति, ये बुद्ध का भारत है, हम इसको बुद्ध का भारत बनाना चाहते हैं, मेरा जो माइंड है हम इसको मतलब बुद्ध का भारत बनाना चाहते हैं, क्योंकि आज जहां जहां भी देखते हैं खुदाई होती है ना, गवर्नमेंट खुदाई करती है, आर्कियोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है खुदाई करती है, तो जहां भी देखते हैं बुद्ध ही बुद्ध मिलता है, तो हमारे पक्के प्रूफ ये है कि ये बुद्ध का भारत है, तो हमने इसीलिए बुद्ध का भारत बनाना, और मैंने तस्वीर भी इसीलिए लगाई है गेट पे, और मूर्ति भी इसीलिए लगाई है, मैंने अपना प्रूफ दिया है कि मैं बुद्ध को मानता हूँ और बुद्ध का भारत है, और मैं बुद्ध को ही मतलब मानता हूँ, इसलिए मैंने स्टैचू लगाया। बुद्धमय भारत चाहते, बुद्धमय भारत, हाँ ये बुद्धमय भारत बनाने चाहते। आप अपना नाम बताइए भाई साहब। मदनलाल जी, आप कुछ जानते हैं कि महात्मा बुद्ध कौन थे, कुछ पता है? काम पता है, हम लद्दाख में रहते हैं, उधर देखते हैं मूर्तियाँ जगह जगह में लगी हुई है, हम समझते नहीं भाई किस लिए लगाई है, अभी हमको पता चल गया। आपको पता है कि आप सब लोग बुद्धिस्ट हैं? हाँ जी, आज पता चला कि आप बुद्धिस्ट हैं। लद्दाख में ज्यादा यही बोलते हैं, बुद्धिस्ट हैं आप लोग भी, तो बुद्धिस्ट ही हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये भारत बुद्ध का ही है, और आप लोग जितने भी आज जो दलित हैं, जिन लोगों को दलित कहा जाता है, वो सब बुद्धिस्ट थे। हाँ जी। अब आपका क्या विचार है, आप बुद्ध को कैसे देख रहे हैं, आपके ये रिलेशन में क्या है? मेरे बड़े ब्रदर हैं। आपके बड़े भाई हैं, तो अब क्या विचार बनाया है दोनों भाइयों ने मिलकर? एक ही बनाया है, एक विचार है, बुद्ध को ही फॉलो करेंगे। हाँ जी। चलिए, अब एक बुद्ध का, बुद्ध की वापसी हुई है लद्दाख में, बुद्ध को लोग देखने के लिए पूरी दुनिया से आते थे, लेकिन जम्मू में ना जाने क्यों बुद्ध को लोग नहीं जान पाए। अंबारा में आपने देखा कि खुदाई में अवशेष, क्या पूरा का पूरा एक गांव मिला जिसमें बुद्धिस्ट लोगों के अवशेष मिले हैं, बड़ा कुछ मिला, लेकिन उसे रोक दिया गया, वो एक अलग विषय है। लेकिन लोअर कोपर में जो भजालता में है, वहाँ पर बुद्ध ने वापसी कर ली है, घर के बाहर बुद्ध की प्रतिमा लगा दी गई है, घर के नेम प्लेट पर जय भीम लिखा हुआ है, और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लगी हुई है। एंट्रेंस पे जब आप दरवाजे पे पहुँचेंगे, वहाँ पर भी आपको बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर दिखेगी। इनके परिवार के सदस्य, यहाँ पर मैं कैमरा घुमा करके अगर कहूँगा कैमरा सहयोगी को कि दिखाइए कि इनके परिवार के लोग यहाँ पर हैं, और ये उस रास्ते पर पहुँच गए हैं, वापसी कर ली है, जहाँ से हज़ारों साल पहले शायद गुलामी की जंजीरों में भारत का बहुजन जकड़ा गया था। बहुजन ये भूल चुके थे कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जिस रास्ते पर उन्हें लाया है, उस रास्ते को ये लोग भूल चुके थे। लेकिन अब दोबारा से 2024 में ये वापसी हुई है बुद्ध की। रामलाल जी के घर के बाहर पहली प्रतिमा जो आपको देखने के लिए मिलेगी, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो बजालता के लोअर कोपर गांव में आप आ सकते हैं। किसी से भी पूछिए कि रामलाल के घर जाना है, यहाँ पर हो सकता है 10-20 रामलाल हों, लेकिन जब आप ये कहेंगे कि जिनके घर के बाहर बुद्ध की प्रतिमा लगी है
बुद्ध की मूर्ति लगी है उनके घर जाना है तो आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं, लोग उनके घर तक पहुंचा देंगे। इनके परिवार के सदस्य हैं, उनसे जान लेते हैं कि वो लोग क्या सोच रहे हैं। आज उनके घर का जो माहौल देखने वाला है, बड़े सारे लोग आए हुए थे यहाँ पर, बुद्धिस्ट सोच के लोग एकत्रित हुए थे और बुद्ध सत्संग हुआ है यहाँ पर और एक नई जिंदगी, मैं ये कह सकता हूँ कि शुरू हुई है। आप अपना नाम बताओ। लक्ष्मी। आपके पापा ने एक नया विचार जो है आप लोगों को बताया, आप जानते थे बुद्ध के बारे में? जानते थे हम बाबा साहब के बारे में, हमें स्टार्टिंग से वो बताते हैं। और बुद्ध के बारे में मैं पर्सनली, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, ऑन कैमरा हूँ तो झूठ नहीं बोलूँगी क्योंकि मैं इतना ज़्यादा नहीं जानती हूँ कि हाँ, लेकिन जब हम वीडियो स्क्रॉल करते हैं तो वीडियोस हम देखते हैं बुद्ध के बारे में, जितना भी हम सुनते हैं, जितना भी हम पढ़ते हैं, तो वो उनकी बातें जो है वो कहीं ना कहीं ज़्यादातर हद तक हमें अच्छी लगती हैं। उनको मतलब कि अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना बड़ा ज़्यादा मतलब कि अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है क्योंकि वो फैक्ट्स के बारे में बात की जाती है। तो हमारे घर पे तो स्टार्टिंग से ही हमें फैक्ट्स के बारे में ही हमें बताया जाता है कि फैक्ट्स पे जाओ, सच पहले देखो, परखो, सुनो, पढ़ो और जितना हो सके तो सच के राह पर ही चलना है और सच को ही इम्प्लीमेंट करना है अपनी लाइफ में। और सबसे ज़्यादा तो पापा ने हमें स्टार्टिंग से ही यही बताया है कि आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे, जितना जानोगे, उतना अवेयर रहोगे। आप क्या कर रही हैं? पढ़ रही हैं? मैं सर, मैंने अभी तक ग्रेजुएट किया हुआ है और मैं मॉडलिंग की लाइन में हूँ अभी। मॉडलिंग कर रही हैं जी। बुद्ध की चर्चा कब शुरू हुई घर में? आपके पिताजी ने कब चर्चा करना शुरू की कि हम घर के एंट्रेंस पे महात्मा बुद्ध का फोटो लगाएंगे, उनकी प्रतिमा लगाएंगे? ये जैसे कि अभी पापा ने बताया कि 18 के बाद पापा ने भी खुद इससे मतलब जानना स्टार्ट किया है। मतलब हमारे घर का माहौल ऐसा है कि स्टार्टिंग से ही हमारे जो बाबा साहब के बारे में हमें बताया जाता है, स्टार्टिंग में ही हमें यही है कि अंधविश्वास पे आपको यकीन नहीं करना है, जितना हो सके उतना पढ़ो, जानो और अवेयर रहो। तो अब 18 के बाद पापा ने खुद पढ़ना स्टार्ट किया, तो हमें भी मतलब घर पे अलग अलग किताबें ला के रखी हुई हैं कि इनको पढ़ो, जानो और समझो, ना कि दूसरों की बातों में आप आओ तो दूसरों की बातों में आकर उनसे बहस करो कि ये अच्छा और ये बुरा है। वो नहीं करना है, खुद जानो, खुद पढ़ो और खुद आप जान जाओगे कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है जी। तो अब कैसा लग रहा है कि आज आप लोग बुद्धमयी हो गए हैं, आपके घर की एंट्रेंस पर महात्मा बुद्ध की प्रतिमा लग चुकी है और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीरें हैं घर जी। अच्छा लग रहा है, पापा पे प्राउड हो रहा है कि उन्होंने एक हमारे लिए एक एग्जांपल सेट कर दिया है कि अगर मैंने यहाँ तक किया तो इसको आपने आगे लेके जाना लाइफ में। तो बस यही है कि अगर आपने हमारे लिए इतना कर दिया है तो अब पापा को मतलब कि डबल करके देना है वापस, ये है हमारा जी। तो ये एक परिवार जो है ये बुद्धमयी हो चुका है और बुद्धमयी भारत की बात कर रहे हैं कि दोबारा से भारत को बुद्धमयी करना है। आप अपना नाम बताइए। राजकुमारी मेरा नाम है। आप कैसे देख रही हैं कि अब आप समझ रही थी कि क्या हो रहा है ये सब? मुझे तो बड़ी देर का पता चल रहा है, जो जैसे मेरे घर वाले कहते हैं मुझे वैसे ही पता चलेगा। नहीं, आप क्या समझ रही थी? कुछ समझ लग रहा था कि आपके हस्बैंड की सूर लेके जा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? नहीं, इतना तो पता है मुझे। हाँ। डॉक्टर अम्बेडकर के साथ चलते हैं तो हम भी उधर चलते हैं, जो कोई कहीं। अच्छा। तो तब से जब से डॉक्टर अम्बेडकर का चल रहा है ना, तो जब वोट डालते हैं ना, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है कि लोग इधर उधर क्यों डालते हैं। अच्छा। तो मैं यही सोचती हूँ उधर डालो वोट। मतलब आपने ये फैसला कर रखा है? और क्या, कब का फैसला, आओ उधर, बस इतना ही बोलूंगा। तो ये एक बढ़िया चीज देखने के लिए जम्मू में आपको दिख रही है, बड़े सारे लोग और हैं। मुझे नहीं पता कि ये लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं। मुझे लग रहा है कि थोड़ी देर के बाद भारत बुद्धमयी कब होगा नहीं जानता, लेकिन ये गांव जो है ये बुद्धमयी होने के कगार पर है। धीरे धीरे बुद्ध की तस्वीरें, बुद्ध की मूर्तियां और बुद्ध का जो लिटरेचर है जिसमें बुद्ध के बारे में लिखा गया, वो किताबें इन लोगों के घरों तक पहुंच रही हैं। आप अपना नाम बताइए। माया देवी। माया देवी, आप क्या सोचती हैं कि महात्मा बुद्ध को, गौतम बुद्ध को लेकर के आपके विचार क्या हैं? मेरे विचार तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या करें, हम हमारी कौन सुनता है, सबको एकजुटी चलना चाहिए। हमारे घर में भी लगाई है, बुद्ध की लगाई है हमने, लेकिन पता कुछ नहीं था कि क्या है बुद्ध गौतम या नहीं, लेकिन लाई है हमने, लाई है। कब लाई है? हो गए एक साल हो गए, बहुत बड़ी लगाई है। अच्छा। बरांडे में लगाई है। आप कहाँ रहते हैं?
हम भी इधर पास में ही रहते इसी गांव में रहते हैं। हाँ इधर ही है, पास में ही रहते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। हमारे समाज में फिर किसी को पता नहीं है, एक दूसरे को पता होना चाहिए, सब एकजुट होकर चले तो अच्छा लगता है। लेकिन सभी अलग अलग ही चल रहे हैं, कोई कहीं चल रहा है, कोई कहीं चल रहा है, तो एक ही समाज में हमें अच्छा लगता है सभी चलते अच्छा हैं। लोग आते हैं जब घर में तो वो बुद्ध की प्रतिमा जब देखते हैं किसी को पता नहीं है कि क्या है, क्या करनी है जे, क्यों लगाई है जे, पूछते हैं क्यों नहीं पूछते हैं। फिर आप क्या कहते हैं? तो हमारी चॉइस थी, तो हमें महात्मा बुद्ध जी बहुत अच्छे लगते थे, इनके विचार बड़े अच्छे थे, सबको एकजुट होने की सलाह देते हैं जे, तो बस आगे हमने जब लोग पूछते हैं कि आपने ये प्रतिमा क्यों लगा ली घर में, बड़े सारे लोग अलग अलग विचारों को अपना रहे हैं लेकिन आप बुद्ध को अपना रहे हैं, तो ऐसे सही बताऊं तो पता नहीं था, हमें अच्छी लगी तो हमने लगा ली। अच्छा पहले पता नहीं था? नहीं था पता हमें, तो हमें अच्छी लगी जब हमने डेकोरेशन वगैरह की, तो हमें लगी कि जब हम गए टाइल वालों के पास कि हमने लगानी है जी अच्छी है। अच्छा सिर्फ तो ऐसे लगाई थी? हाँ मतलब कि ऐसे ही लगाई थी। हाँ। ऐसे था, हमें पता था कि जे हमारे समाज के लिए है महात्मा बुद्ध, लेकिन जे नहीं, इतनी जानकारी नहीं थी। जब जे भैया इन्होंने लगाई, जे बताते रहते हैं हमें, वो वीडियो वगैरह भेजते रहते हैं कि महात्मा बुद्ध आप देखो, जानो, पहचानो, समाज के साथ आप जुड़ो, फिर हमें थोड़ी बहुत जानकारी जानकारी हासिल कर रहे हैं। हाँ कर रहे हैं। जानते हैं बुद्ध के बारे में? जान तो कुछ नहीं, वही तो बोरे जान, तो जान रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। हाँ, कोशिश कर रहे हैं हम, तो जे लिंक वगैरह भेजते हैं भैया की, देखो जुड़ो। हाँ बस ये बात है। मतलब अब गौतम बुद्ध इनके घरों में आ चुके हैं, एक मतलब आप ये कह सकते हैं कि शौक के तौर पर एक फोटो लगाया था घर में, लेकिन वो फोटो इतनी प्रभावित कर गई गौतम बुद्ध की कि अब गौतम बुद्ध के विचारों पर चलने का प्रयास जो है ये परिवार और इस गांव के लोग जो हैं वो करने लगे हैं। कालाराम जी हमारे साथ हैं। कालाराम जी, आप लोग तो बुद्धमयी लोग हैं, बुद्ध दीक्षा ली है, लेकिन अब ये जो परिवार है इन लोगों के घरों में गौतम बुद्ध की तस्वीर और प्रतिमा पहुँच चुकी हैं, अब तो लिटरेचर भी पहुँच रहा है, तो क्या ये लोग बुद्ध दीक्षा ले चुके हैं या अभी तैयारी है इनकी, क्या है? इन्होंने सर पहली बात तो अभी तक बुद्ध दीक्षा ली नहीं है, लेकिन इनका पूरा विचार है बुद्ध दीक्षा लेने के लिए, तो इन्होंने इसी बेस के ऊपर मतलब हमें कंटेक्ट किया था, तो आज हम मतलब इनके पास दूसरा दिन हमारा, तो एक तो बड़े फिक्र की बात आती है कि हमारे समाज में हम लोग बच्चा पैदा कर सकते हैं पर बच्चे का नाम नहीं रख सकते, बड़ी शर्म की बात है हम लोग हमारे समाज के लिए। हम मकान बहुत बढ़िया लाखों का करोड़ों का खड़ा कर सकते हैं, लेकिन मकानों के अंदर नहीं जा सकते, प्रवेश नहीं कर सकते हैं। बच्चे की शादी कर सकते हैं, करोड़ों के खर्चा कर सकते हैं, उसको पैदा कर सकते हैं, जवान कर सकते हैं, शादी तक पैसा खर्च कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी मर्जी से उसका दिन समय वो तय नहीं कर सकते। ये हमारे समाज के लिए बड़ी शर्म की बात है, और इसी के लिए हमने एक बीड़ा उठाया था कि हम अपने समाज को जागृत करें, और आज हमें बहुत ज़्यादा फख्र होता है कि जब हमारा समाज के लोग इस हद तक जाग चुके हैं कि वो अपना घरों के आगे बुद्ध की मूर्ति और बुद्ध को जानने की कोशिश कर रहे हैं, बुद्ध में ही रीति रिवाज के हिसाब से शादी कर रहे हैं, तो मैं इससे बहुत ज़्यादा मतलब खुश होता हूं, और हम समझते हैं कि हमारा कहीं ना कहीं जो हमने जो मोर्चा निकाला है इस अंधविश्वास के खिलाफ, तो वो हमारा पूरा होता नजर आ रहा है, क्योंकि बुद्ध का एक ही था कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो, क्योंकि बुद्ध ने बहुत बार बहुत सारी चीजें हैं लेकिन हम मतलब इतना बता नहीं सकते। बुद्ध ने बोला है कि अगर दुख है तो दुख का कारण है, और कारण है तो उसका निवारण है, निवारण भी है ना। तो हम अंधविश्वास में पढ़ के मतलब वो नाना प्रकार के और आडंबर जो है आपने चला रहे हैं, बट उस चीज को हम नहीं सोच रहे, ठीक है। तो इस मतलब आज जहाँ पे हम जिस गाँव में आए हैं, जिस घर में आए हैं, तो इन मतलब इस घर का जो सदस्य है, मेरा सदस्य रामलाल जी हैं, उनके विचार सुनने के बाद और जब उन्होंने हमें बुलाया कि हमारे घर में बुद्ध रीति रिवाज के हिसाब से शादी करनी है, उन्होंने बुद्ध की मूर्ति है उसका आज उद्घाटन था, तो हम आए हैं, तो सर बहुत खुशी की बात है कि हमारा समाज जो है आज दिन प्रतिदिन जो है जाग रहा है, बुद्ध की ओर जा रहा है, बुद्ध की ओर बढ़ रहा है, अपने महापुरुषों के रास्ते पर बढ़ रहा है, अंधविश्वास से दूर हो रहा है, बुद्ध की ओर जा रहा है। आखिरी एक बात मैं आपसे लेकर के इस प्रोग्राम को यहीं पर समाप्त करूंगा, अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम अमित चंद है जी। आप क्या करते हैं? मैं रिटायर्ड पर्सन हूँ, एक्स पर्सन हूँ मेडिकल कॉलेज से। मेडिकल कॉलेज से? हाँ।
ये बुद्धमय भारत की बात देखो जी, बुद्ध जो है बी आर अम्बेडकर साहब ने, हम उस वक्त से जानते हैं हमारे लोगों की कुछ त्रुटियां ऐसी हैं जो कोई कोई माँ मानती है, किसी की बाप नहीं मानता, किसी का कुछ। आने वाला समाज जो है, जो आने वाली पीढ़ी है, वो इस चीज के ऊपर तुल चुकी है। लेकिन देखो ये सारा कुछ जो है ये बड़ी जल्दी फैल सकता है बुद्ध मत। इसको ख़त्म करने वाला समाज जो है वो शासन प्रशासन हर चीज उनके पास है, लेकिन वो संख्या बड़ी कम है। फिर भी जो संख्या बड़ी कम है बट पावर उनके पास ज्यादा है। जो संख्या ज्यादा बुद्ध को मानने वाले हैं वो सिर्फ पावरलेस है। ये माननीय बार कांशीराम साहब ने बोला था, माननीय बाबा साहब ने बोला था, पढ़ो एजुकेट हो संघर्ष करो एजिटेट करो। तो उस चीज के ऊपर लोग निकल पड़े हैं। अब कितनी कामयाबी मिलती है कितनी नहीं मिलती ये आने वाला वक्त देखेगा। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने मत का अधिकार इसीलिए दिया था वोट का, लेकिन इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। बाबा साहब ने इस हिंदुस्तान में, हमें दलित कहा जाता है, इस हिंदुस्तान में रामायण लिखी तो दलित ने लिखी, इस हिंदुस्तान का बदान लिखा तो दलित ने लिखा, लेकिन चर्चा नाम और किसी का है। जवाहरलाल नेहरू ने भी उस वक्त भीम साहब को बाबा साहब को बोला था, अगर तू मेरे को इसका नाम दे दे तो तू दुनिया की कोई चीज भी ले सकता है, बट वो नहीं माने थे। और काली रामायण वाल्मीकि रामायण जो है सही वही रामायण है, लेकिन रामानंद सागर और कालिदास ले गए, हमारे पास कुछ नहीं रहा। तो मैंने जो किया है शासन प्रशासन जो है वो अब उनके पास पावर है, चैनल के माध्यम से वो ले जाते हैं जाने। आज मैं इतने लफ्ज इधर से बोल रहा हूँ, अगर मेरे पास चैनल हो, मेरे पास मीडिया हो, तो सब कुछ हो, तो सारे जम्मू में फैल जाता है। लेकिन कारण क्या है? कारण यही है ना जो मैंने बताया कि हमारे पास ना चैनल है, ना मीडिया है, ना सोर्सेज है, ना कुछ है। हम अपने अपने परिवार को पालने के लिए लगे हुए हैं, और जब अपना मन करता है, बाकी कोई कहे कि बुद्ध क्या है कोई नहीं। बुद्ध मत की जो फिलासफी है हिंदुस्तान में, अगर सही अगर जिंदगी इंसान बाकी हर जगह जाता है, अगर उसके 5 या 16 आदमी पहन ले लगा ले तो वही इंसान है। आप कह रहे हैं कि आपके पास मीडिया नहीं है, न्यायपालिका नहीं है, है ना, ये कोई पावर की नहीं है। कह रहे कोई पावर नहीं है, वी आर पावरलेस, मतलब वही है। क्वालिटी में हम बहुत कम है, क्वांटिटी में बहुत ज्यादा है, क्वालिटी नहीं है। क्वालिटी मतलब क्वालिटी किस चीज के बनती है वो आप जानते हैं। ये कैसे होगा? तो आपने दिखना ना, आप एक सरकारी नौकरी करके आए हैं, आप ये जानते हैं कि ये कैसे हो सकता है, समाज कैसे जागेगा एकत्रित। ये तो फिर है ना एजुकेशन, जब जो जो एजुकेशन आएगी, जैसे आप मेरे जीजा जी हैं जे जिनके घर हम बैठे हैं, तो जे अब इसके बच्चे जो हैं वो सोचेंगे पढ़ेंगे देखेंगे ऐसे ही चलेगा। जैसे मेरे बच्चे हैं, कल तक तो आने वाला बच्चा जो ला कर लेता था डॉक्टर बन जाता था, उसको नहीं पता था बी आर अम्बेडकर कौन है, जिनकी बदौलत वो बनता। हाँ, जिनकी आज ये लेडी जो है, आज ये इतने अच्छे वस्त्र पहन के सूट पहन के बैठी हुई है, हैं। इंदिरा गांधी ड्यू टू बाबा साहब प्राइम मिनिस्टर बनी, अदरवाइज नहीं बन सकती थी। आज हाई कोर्ट का जज, सुप्रीम कोर्ट का जज अगर कोई लायर है तो वो ड्यू टू बाबा साहब। लेकिन ये चीज दबा के रखी हुई है, ये किसी को बताने नहीं देते। लेकिन अब ये भी चर्चा चल रही है कि हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए। देखो जी, ये तो वक्त आप बताएगा ना उनको, जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो बड़ा कुछ बनेगा उस वक्त, बहुत कुछ बनेगा। एक बड़ी चर्चा है कि हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, हमें हमारे देखो हम लोगों को जो हिंदू मानते हैं, कब मानते हैं, जब इनको पावर चाहिए, जिनको संख्या चाहिए, ज्यादा क्वांटिटी चाहिए, तब जब इनके पास वो बात निकल जाती है तो हम वही शेड्यूल कास्ट दलित। क्या नाम बताया आप? मेरा नाम अमित चंद है। अमित चंद, एक चीज को समझ लीजिए कि जब वोट चाहिए, रैलियों में भीड़ चाहिए, तब बहुजन समाज के लोगों को एकत्रित किया जाता है। इलेक्शन के दिनों में उन लोगों से वोट चाहिए, उन लोगों के घर द्वार पर माथा भी टेका जाता है, और जैसे ही इलेक्शन निकलती है, रैली ख़त्म होती है, बहुजन फिर से दलित हो जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये वो लोग बता रहे हैं जो लोग इन चीज़ों को देख रहे हैं, जो वो लोग इन चीज़ों के शिकार हैं। अब एक चीज़ आप समझ लीजिए कि बुद्धमय भारत की ज़रूरत क्यों है। मेरा इनसे एक सवाल था कि हिंदू राष्ट्र बन रहा है तो उससे परेशानी क्यों? इन लोगों का ये कहना है कि अब हम उस भीड़ का शिकार नहीं होंगे जिससे सदियों से होते आ रहे हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के दिखाए मार्ग पर चलेंगे, बुद्धम दीक्षा लेंगे और बुद्ध के मार्ग पर चलेंगे, बुद्धमय भारत को दोबारा से बनाने का प्रयास करेंगे। आने वाले समय में क्या दोबारा से भारत बुद्धमय होगा,
ये एक सवाल मैं आपके पास छोड़ता हुआ जा रहा हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि जम्मू के हर उस व्यक्ति को, भारत के हर उस व्यक्ति को पता चले कि भारत जो है वो बुद्ध का भारत है और ये बुद्धमय भारत होने जा रहा है। आप देखते रहें RTI इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो बातें जो नहीं पहुंच रही हैं या फिर जो नहीं पहुंचाई जा रही हैं। धन्यवाद। अगर आप भी चाहते हैं कि RTI इंडिया न्यूज़ आप सबकी आवाज़ इसी प्रकार उठाता रहे तो RTI इंडिया न्यूज़ की आर्थिक सहायता करें।